से शांतनु सेन को इस सत्र से निलंबित करने की मांग की गई है। इसके लिए राज्यसभा के सभापति को लिखित शिकायत भी दी गई है। कल आपको बता दें कि राज्यसभा में हंगामे के दौरान शांतनु सेन ने अश्विन वैष्णव के हाथ से पेपर, जो कि स्टेटमेंट दे रहे थे पेगासस मामले पर, वो छीन कर फाड़ दिया गया था और चेयर की तरफ उछाल दिया गया था। इसके बाद सरकार हरकत में आई और कल ही बैठक करके ये तय कर लिया गया था कि इस मामले में वो शिकायत करेंगे सभापति से। आज लिखित शिकायत दे दी गई है। अब माना जा रहा है कि धारा 269 के तहत उन पर कार्रवाई की जा सकती है, उनको सत्र भर के लिए निलंबित किया जा सकता है। अंकित गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, बड़ी कार्रवाई की शुरुआत आज हो सकती है? बिल्कुल विकास, और जिस बात का आपने भी जिक्र किया कि कल ही इस बात को लेकर के तय कर लिया गया था सरकार में, और आज सुबह ही जो राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनको लिखित तौर पर शिकायत दे दी गई है कि जिस तरीके से शांतनु सेन का कंडक्ट रहा है वो हाउस के जो नियमों के खिलाफ भी है, और जो एक तरीके से हाउस की एक प्रतिष्ठा है उसको भी खेत पहुंचाने वाला है, और उसी मामले में लिखित शिकायत दी गई है, और मुमकिन है कि शांतनु सेन के खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई। ABP News, आपको रखे आगे।